नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरें। स्विगी ने लॉन्च किया स्विगी स्किल्स ऑन डिमांड कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म। स्विगी ने स्विगी स्किल्स को लॉन्च किया है। यह अभियान कौशल विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके लिए स्विगी का साथ कौशल विकास एवं उद्यमशीलता ने दिया है। दोनों के बीच में एक साल के लिए MOU साइन हुआ है। स्विगी स्किल्स का इवेंट नई दिल्ली में हुआ था। इस इवेंट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। दीपिका पादुकोण बनी माँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को जिस दिन का पिछले करीब 9 महीने से बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ चुका है। दीपिका पादुकोण रविवार को माँ बन गई। उन्होंने मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया है। शनिवार की शाम को रणवीर सिंह पत्नी दीपिका को अस्पताल लेकर गए थे और अब ये बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बक्सर के पास रविवार को हुआ रेल हादसा। बक्सर के पास रविवार को एक रेल हादसा हुआ है। टूनीगंज रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आ रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन अचानक दो हिस्सों में बंट गई। चलती ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इधर लोको पायलट ने फौरन ट्रेन रोकी। इधर सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्लीपर बोगियां S6 और S7 के बीच से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई है। खैरियत ये रही कि उस समय ट्रेन के उस जोर के आसपास यात्री नहीं थे। जाने कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना से क्यों दिया टिकट। हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट का जाट मतदाताओं का बोलबाला रहा है। 2009 से जिंद जिले का ये विधानसभा सीट INLD और JJP के कब्जे में ही रही है। फिर भी कांग्रेस ने यहां से रेसलर विनेश फोगाट को टिकट दिया है तो उसका मुख्य मकसद यहाँ की करीब 50% जाट आबादी ही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने जुलाना से विनेश फोगाट को इसलिए मौका दिया क्योंकि यहां का खेरा बख्ता विनेश के पति का पैतृक गांव है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बीते कुछ दिनों से कुछ खास नहीं रहा है। वनडे और T20 विश्व कप से लेकर द्विपक्षीय सीरीज में भी टीम फीकी रही है। भारत के अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति पर हैरानी व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने टीम की तुलना 2010 के शुरुआती दौर से की थी। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान को हराना आसान नहीं था। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को भारत 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत युवा ओलंपिक 2030 के लिए बोली लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि ये 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्ष 2030 में 5वें युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया तीखा प्रहार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव जहां चाहे वहां की यात्रा करें, किसी को भी यहां यात्रा करने से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा का रिजल्ट लड्डू ही आने वाला है, इसलिए हम लोग उनकी यात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर भी काफी समर्थन किया और कहा कि CM साहब ने सही बात कही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज से शुरू हो रही अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रविवार को डलास टेक्सास पहुंचे। कांग्रेस सांसद का एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा और प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। राहुल गांधी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्थक चर्चाओं में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। फेसबुक पोस्ट में गांधी ने कहा है कि मैं डलास टेक्सास अमेरिका में प्रवासी भारतीय और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किए गए गर्म जोशी भरे स्वागत से वास्तव में प्रसन्न हूं। तमिल फिल्म स्टार थलापति विजय ने इस साल की शुरुआत में राजनीति में एंट्री को लेकर घोषणा की थी। ताजा खबरों के मुताबिक तमिलागा वेट्री कजगम के प्रमुख विजय को राजनीति में आने की इजाजत मिल गई है। विजय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अब भारत के चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर लिया है, जिसके बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। विजय की फिल्मों को लोग काफी पसंद करते हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर भी उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कहा, जब भी हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो भारत का नाम दोस्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है।
यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ निशा देसाई बिस्वाल की टिप्पणी उनकी भारत यात्रा से पहले आई है। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेरिका की एक विकास वित्त संस्था और एजेंसी है। अब आप व्हाट्सएप और मैसेंजर पर अन्य मैसेजिंग ऐप्स के यूजर्स के साथ भी चैट कर पाएंगे। कुछ वक्त पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि कंपनी ऐसे किसी फीचर पर काम कर रही है जिसकी मदद से आप अन्य ऐप्स पर मैसेज कर सकेंगे। आखिरकार अब इस फीचर को ऐप में देखा गया है, लेकिन ये बदलाव अभी भारत में नहीं हुआ है। अन्य देशों में भी अभी इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विभिन्न रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम सहयोगी जैसे दिग्गज भी शामिल रहेंगे। वैश्विक मंच पर भारत शांति दूत का फर्ज निभा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की है। भारत ने हमेशा दुनिया का बौद्धिक नीति और शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री बीते दिनों रूस के दौरे पर गए थे, उसके बाद वो यूक्रेन के दौरे पर गए। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर शांति का संदेश दिया। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत ही रूस और यूक्रेन युद्ध को विराम करवा सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को पिछले महीने के अंत में आईसीसी का चेयरमैन चुना गया। वो 1 दिसंबर 2024 को अपना पद संभाल लेंगे। जय शाह निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुने गए हैं। उनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने और एशियाई क्रिकेट परिषद की अगली बैठक के बारे में खुलकर बात की है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर शनिवार को धरती पर खाली लौट आया है। यह अंतरिक्ष यान शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुआ था। इसको लेकर सुनीता विलियम्स का भी बयान सामने आया है। यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दोनों ने उड़ान नियंत्रकों को फोन करके टीम को भावुक संदेश दिया है। उन्होंने सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सुनीता ने आगे अंतरिक्ष यान के उपनाम का जिक्र करते हुए रेडियो संदेश में कहा, आप लोगों के लिए कैलिप्सो को घर वापस लाने का समय आ गया है। हम आपके साथ हैं और आप इसे जल्द धरती पर ले आइए। रामनगरी, अयोध्या और संगम नगरी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अयोध्या और प्रयागराज के बीच सड़क संपर्क को और सुगम और तेज करने के लिए अब एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेसवे अयोध्या प्रयागराज हाईवे के बाई और बनेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अयोध्या से प्रयागराज कार से केवल 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अभी 167 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के नवदीप सिंह ने मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में नवदीप सिंह ने अपने दूसरे प्रयास में 47.32 मीटर दूर जैवलिन फेंका, जो उनके करियर का अब तक का बेस्ट थ्रो रहा है। देश भर के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश से आफत बनकर आई है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी सेक्टर में दस्तक देने वाली है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल लगभग 2,50,000 ईवी व्हीकल्स की कैपेसिटी के साथ ईवी प्लांट की शुरुआत करने वाली है, जिसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 7,50,000 व्हीकल्स करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी 10 गीगावाट घंटे के बैटरी प्लांट की फिजिबिलिटी पर भी विचार कर रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री की लिविंग लीजेंड आशा भोसले उम्मीद की वो किरण है जिनकी आवाज में ऐसा जादू है जो एक बार कानों में पड़ जाए तो दिल को सुकून और मन को चैन आ जाता है। आज ये सुरों की मलिका 91 साल की हो गई है। वो केवल एक सिंगर नहीं बल्कि खुद में एक पूरा युग है। स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी अगले 2 वर्षों में मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव रहित स्टारशिप लॉन्च करेगी। ये लॉन्च तब होगा जब अगली पृथ्वी मंगल स्थानांतरण विंडो खुलेगी। टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए करने के आरोप में हिरासत में लिए गए सीईओ पावेल ड्यूडो ने आरोप को खारिज किया है। कोर्ट के आदेश पर रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को आश्चर्यजनक बताया।
बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब 361 अस्पतालों में इन्हें कैशलेस इलाज का लाभ मिल पाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों की सूची तैयार की है। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने से पहले स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की है। न्यायिक पदाधिकारियों को ये सुविधा जल्द सुलभ करवाई जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्फ बिल, लेटरल एंट्री, भारत बंद और जातीय गणना के मुद्दे पर विपक्ष के खेमे में दिखाई दिए। अब भाजपा चिराग के बयानों को देखते हुए उनके जुबान पर लगाम लगाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से राजनीति में साइड लाइन किए पशुपति पारस किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या फिर उन्हें किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजद ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी 45 संगठन जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त किया है। पटना और पटना महानगर के प्रभारी विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला, भोजपुर के प्रभारी सुधाकर सिंह, बक्सर के प्रभारी अशोक पांडे, रोहतास के प्रभारी अभय कुशवाहा, कैमूर के प्रभारी सारिका पासवान, औरंगाबाद के प्रभारी रिंकू यादव बनाए गए हैं। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तब से सीएम के पाला बदलने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने स्पष्ट कर दिया कि वो पहले दो बार गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। सीएम की सफाई पर आरजेडी नेता हमलावर है। वहीं जदयू के नेताओं का कहना है कि सीएम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, लिहाजा इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपने एक्स हैंडल पर तीखा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने गठबंधन बदलने को लेकर सीएम की सफाई पर निशाना साधा था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतु राज सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहन रोहिणी आचार्य चुनाव हारने के बाद अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं। उन्हें पटना के आबो हवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह का पोस्ट कर रही हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में पटना फिजियोथेरेपिस्ट क्लब द्वारा पटना के जगजीवन मैदान में पटना फिजियोथेरेपिस्ट क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री मृत्युंजय तिवारी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने ट्रॉफी का अनावरण करते हुए किया है और उन्होंने सभी फिजियोथेरेपिस्ट को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भागलपुर से हावड़ा के बीच 15 सितंबर रविवार से वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। शनिवार को मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता भागलपुर पहुंचे। वे सुल्तानगंज से निरीक्षण करते हुए शाम 4:10 पर यहां पहुंचे। अचानक मिली सूचना पर डीआरएम और रेल अधिकारियों का अमला शाम 4 पहुंचा। अपने स्पेशल सैलून से प्लेटफॉर्म 2 पर उतरे डीआरएम सबसे पहले प्लेटफॉर्म 6 पर गए। कार्यालय अवधि में रुपौली सीओ ऑफिस के हेड क्लर्क शराब के नशे में धुत में ले। मुंह से शराब की गंध आने पर सांसद पप्पू यादव ने थानेदार को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया। दरअसल शनिवार को सांसद पप्पू यादव औचक निरीक्षण करने रुपौली अंचल कार्यालय पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान बीडीओ सीओ के साथ अधिकतर कर्मी गायब देखे, लेकिन अंचल में तैनात प्रधान निपीक कांत ठाकुर शराब के नशे में कुर्सी पर डटे मिले। जैसे ही सांसद प्रधान लिपिक के पास पहुंचे, शराब की दुर्गंध मिली। सांसद ने प्रधान लिपिक से बात करने के बजाय सीधे रुपौली थानेदार को फोन लगाया और मौके पर बुलाया। थाना अध्यक्ष उदय कुमार प्रधान ने लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया था, उनके नाम है संजीव कुमार, विभा कुमारी, मोहम्मद इरफान, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, सपना कुमारी, नौसाद रजा, विद्यानाथ ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, दिन भर में आप अपना कितना समय मोबाइल फोन में बिताते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।